दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्क्री स्पोर्ट्स। तो इस वीडियो में मैं बात करूंगा भारतीय टीम के बारे में। जी हां, तीसरे दिन ही इन्होंने नागपुर टेस्ट अपने नाम कर लिया और इसके सबसे बड़े हीरो रहे। जी हां, ऑलराउंडर्स। और पहली पारी में इंडिया ने दूसरी पारी खेली नहीं। यहाँ पर रोहित शर्मा 120 रन की शानदार पारी और यहाँ पर अक्षर पटेल, रविंद्र जडेजा और रवि अश्विन। जी हाँ, जिस तरह से इन्होंने प्रदर्शन किया है गेंद से भी और बल्ले से भी काबिले तारीफ है। ख़ास तौर पर यहाँ पर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा की तारीफ करनी होगी। जी हाँ, पहले पारी में रविंद्र जडेजा ने 5 विकेट लिए, शानदार उन्होंने 50 लगाई और दूसरी पारी में भी उन्होंने 2 विकेट अपने नाम किए और एक ज़बरदस्त ऑलराउंडर खेल का यहाँ पर प्रदर्शन किया। यहाँ पर अक्षर पटेल की बात की जाए तो उन्होंने 80 रन की एक बेहतरीन पारी खेली। हालांकि वो गेंद से उतने ज़्यादा सफल नहीं रहे लेकिन यहाँ पर उनको ज़्यादा बॉलिंग करने का मौका नहीं मिला और मिडिल ऑर्डर में काफ़ी अच्छी बल्लेबाजी करी है उन्होंने। एक भारतीय टीम को रविंद्र जडेजा अश्विन के साथ अक्षर पटेल भी एक काफ़ी अच्छा ऑलराउंडर मिल गया है और यहाँ पर मोहम्मद शमी की भी तारीफ करनी होगी। उन्होंने 37 रन की एक बेहतरीन पारी खेली लेकिन दूसरी पारी में जिस तरह से यहाँ पर रविचंद्र अश्विन ने 5 विकेट अपने नाम किए और कंगारुओं को मुंह की खानी पड़ी तो यहाँ पर रविचंद्र अश्विन की तारीफ भी बनती है। और यहाँ पर सिर्फ स्टीव स्मिथ ही नाबाद रहे, वो 25 रन बनाकर, बाकी कंगारुओं ने उनके सामने घुटने टेक दिए। तो भारतीय टीम के लिए काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पर वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप जो है उसमें भारतीय टीम ने फाइनल में अपना स्थान पक्का कर लिया है। तो दोस्तों यहाँ पर भारतीय टीम ने पहले टेस्ट में जीत हासिल की है और 1-0 से आगे हो गई है और उम्मीद करते हैं कि जो बाकी के 3 टेस्ट हैं उसमें ऑस्ट्रेलिया का वो क्लीन स्वीप कर दें। दोस्तों अगर आप भी हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियो पसंद करते हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों आप हमें बता सकते हैं कि रविचंद्रन अश्विन, अक्षर पटेल और आपके रविंद्र जडेजा के आने से क्या भारतीय ऑलराउंडर डिपार्टमेंट काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया है। और हमें एक बात और ऐड करना चाहूँगा, क्या यहाँ पर इन 3 ऑलराउंडर के अलावा हार्दिक पांड्या को भी क्या टेस्ट फॉर्मेट में मौका देना चाहिए, क्योंकि वो भी काफ़ी अच्छे ऑलराउंडर हैं और काफ़ी अच्छी सीम गेंदबाजी भी करते हैं। खासतौर पर अगर भारत को विदेश का दौरा करना होगा तो यहाँ पर हार्दिक पांड्या को टेस्ट टीम में मौका मिलना चाहिए। आपकी क्या राय है अपने कमेंट करके बता सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।